सोनीपत के देवड़ू रोड स्थित दिल्ली विद्यापीठ स्कूल में इस सत्र के वार्षिक खेल समारोह का आज शुभारंभ हुआ। खेलों के लिए सभी कक्षाओं को दो सदनों में बांटा गया। दोनों सदन आइंस्टीन और गैलीलियो थे। खेल समारोह के प्रथम दिवस के मुख्य अतिथि निखिल मदान, मेयर सोनीपत ने अन्य गणमान्य अतिथियों मुकेश सैनी, एमसी सोनीपत, रजनीकांत आजाद, पायल गुप्ता सोशल वर्कर, दीपक मंथन मंच संचालक एमडी माथुर, राजेश उपाध्याय, जुगल ज्योति संदीप, विद्यालय के संचालक श्री वीर सिंह सैनी, प्रधानाचार्य श्रीमती आराधना ग्रोवर के साथ विद्यालय के हेड बॉय पुष्कर और हेड गर्ल मानसी को मशाल प्रज्वलित करके खेल का शुभारंभ करने की अनुमति दी। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेल का होना भी बहुत जरूरी है। पढ़ाई से अगर मस्तिष्क स्वस्थ रहता है तो खेलों से स्वास्थ्य बनता है। उन्होंने कहा कि वह पहले की कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, जबकि आज के समय में खेलों से प्रसिद्धि और पैसा और नौकरी भी पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार खेलों में भाग जरूर लेना चाहिए। मुख्य अतिथि के संबोधन के पश्चात एक देशभक्ति प्रस्तुति के माध्यम से खेलों के साथ बच्चों की देशभक्ति की भावना को प्रस्तुत किया गया। इसमें सिया चाहत अक्षय, नीतू प्रियांशु तनिष्क, देव छवि अंजलि, वंशिका जानवी, आशीष अनवी आदि ने मनमोहक प्रस्तुति दी। इसके बाद हरियाणा की संस्कृति को दर्शाता हरियाणवी नृत्य प्रस्तुत किया गया। इसमें सुमन अमृता आकांक्षा वंशिका दीपांशी आदि ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। इसके बाद खेलों की शुरुआत में विद्यार्थियों को बिस्कुट ईटिंग रेस 100 मीटर रेस ट्रे एंड बॉल रेस पैन कैप रेस आदि हुई। खेलों में अव्वल लाने वाले खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि द्वारा मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। जगत महा न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।